आजकल जरा जरा सी बात पर पति पत्नी कब तलाक लेने कोर्टरूम पहुंच जाए कहां नहीं जा सकता। छोटी छोटी सी बातों पर आजकल रिश्ते सिमट कर रह जाते हैं और टूट जाते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां एक पत्नी ने तलाक के बाद अपने पति से 75 लाख रुपए साल और 25 लाख रुपए महीने का घर का किराया मांग लिया है। अब इस पर पति का परेशान होना तो बनता ही है। ये मामला है उद्योगपति जयदेव श्राफ और उनकी पत्नी पूनम के बीच का, जहां उच्चतम न्यायालय ने पूनम को मुंबई में एक घर लेने के लिए कहा है जिसका किराया उनके पति देने को तैयार है, लेकिन पूनम के वकील का कहना है कि उन्हें इसकी जगह पैसे दे दिए जाए। जी हाँ, प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि आप मकान चाहती हैं या नहीं, आप मकान खोजिए और अगले हफ्ते आइए। मुंबई में हर तरह के लोग रहते हैं और यहाँ हर किस्म के लोगों के लिए मकान है। पीठ ने कहा कि अगर आप मकान नहीं ढूंढती हैं तो हम इसे आपकी कमी मानेंगे, आप मकान ढूंढिए, इसका किराया आपके पति देंगे। इस तलाक के मामले में महिला की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि उसे किराए का मकान खोजने के लिए कहने की बजाय इस प्रस्ताव को धन में परिवर्तित कर दिया जाए और उसे सालाना 75 लाख रुपए खर्च के अलावा 25 लाख रुपए प्रतिमाह मकान के किराए के रूप में दिए जाएं। इस बात पर पति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने इसका विरोध किया और मकान किराए का भुगतान करने की अपनी पेशकश दोहराई। पीठ ने इस मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए ये कहा है कि वो दोनों पक्षकारों को विस्तार से सुनेगी। पीठ ने इससे पहले अपने आदेश में कहा था कि पूनम जयदेव श्राफ अपनी पसंद का मकान खोजें जो पाली हिल बांद्रा के निकट हो। इससे पहले बंबई उच्च न्यायालय ने इस महिला को बांद्रा स्थित पाली हिल में अपने पति के साझा बंगले में प्रवेश की अनुमति भी दे दी थी। सिंघवी ने कहा था कि इस महिला के पति जयदेव श्राफ ने अपनी पत्नी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें इस महिला पर आरोप लगाया गया था कि वो एक बंगाली बाबा की मदद से उसे संतरे के जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर देती है। हालांकि पत्नी ने इस आरोप का खंडन किया था। सिंघवी का ये भी कहना था कि इस तलाक के विवाद के अंतिम रूप से निपटारे के लिए उन्होंने 90 करोड़ रुपये देने की पेशकश की थी, लेकिन इस बात पर कोई सहमति नहीं बन सकी है। इस मामले की आगे सुनवाई 6 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब आगे क्या होता है ये सुनवाई के बाद ही पता पड़ेगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।